सवाल। महेश भाई अस्सलाम वालेकुम। वाईक सलाम। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं शहर अकोला से हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सर सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे, एक तो ये कि सर आपने इस्लाम की इतनी स्टडी की है और इस्लाम के बारे में आप इतना जानते हैं और इस्लाम से मुतासिर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे और यहीं से आपको दावत देता हूँ कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते। देखिए एक सच्चाई मेरी ये है कि मेरे वालिद जो थे वो नागर ब्राह्मण थे और मेरी वालना एक शिया मुसलमान थी, तो मेरा जो जिस्म है आधा हिंदू आधा मुसलमान हूँ। और मैं क्रिश्चियन स्कूल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ, जहाँ पर मुझे आवे मारिया और जीसस क्राइस्ट के किस्से सुनाए गए थे। तो सही माने में तो मैं एक वो हिंदुस्तान की वो आइडियल औलाद हूँ जिसको आप एक सेकुलर हिंदुस्तानी कहते हैं। मेरे लिए टॉलरेंस एक वोट कैप्चरिंग डिवाइस नहीं है, वो मेरी एक जिस्मानी सच्चाई है। बाकी इस्लाम की जो शिद्दत है, जो पैशन है, जो सोशल जस्टिस का जो जज्बा है, उससे बहुत मुतासिर हूँ। और जैसे मुझे अब भी याद है कि जब लंदन में मैंने रसूल अल्लाह की वो स्टेटमेंट से अपना को कन्फ्रंट किया था, जहाँ उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में था, कि somebody asked the prophet what is the most blessed struggle and he said to tell the truth to an oppressive ruler, कि जालिम बादशाह को उसका सही चेहरा दिखाना उससे बड़ा जहाद नहीं है। वहाँ से कहीं पर लगा मुझे मेरी ज़िंदगी में एक कहीं पर एक क्रांति घटी और मैंने जो उसके बाद में लड़ाई शुरू की है सोशल कॉज के लिए। तो हाँ उसका असर मेरे जहन पर, मगर मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, इसको अगर आप गलत ना समझे, मैं एक व्यक्ति जो दावा करते हैं कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं, मैं कहता हूँ कि आप हदीस पढ़ाते हैं, मैं हदीस जीता हूँ। तो हदीस को जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाना सिर्फ अपने आप में एक मंजिल नहीं है, उसको जीना। तो जो उसको जीता है वो मुसलमान होता, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान जो है उसका नाम मुसलमान हो या वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में नजर आए आपको।